आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं क्या बिगाड़ लेंगे आप, या आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और कई बार आप कहते हैं क्या बिगाड़ लिए। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या बिगाड़ लिए, तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे डू नथिंग अनटवर्ड, यानी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन डू नथिंग अनटवर्ड टू मी, यानी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहाँ मैंने सब्जेक्ट के बाद बोला कैन, क्योंकि आपके सेंटेंस में आया सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंस ऐसे हो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल डू नथिंग अनटवर्ड टू मी। यानी जब आपका सेंटेंस गागी में हो तो आप कैन के जगह पर विल का इस्तेमाल करें। और बाय द वे, आपके सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, या आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कुड डू नथिंग अनटवर्ड टू मी, यानी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आया है सकता है, तो आप कहेंगे कैन डू नथिंग अनटवर्ड टू। और अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आएगा गागी गे, तो आप कहेंगे विल डू नथिंग अनटवर्ड। और अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में या सके या कर पाए, यानी पास्ट के लिए आप कहेंगे कुड डू नथिंग अनटवर्ड। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ही कैन डू नथिंग अनटवर्ड टू मी। वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, दे कैन डू नथिंग अनटवर्ड टू मी। अगर मुझे कहना हो कि वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे विल डू नथिंग अनटवर्ड टू मी, यानी वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी कैन डू नथिंग अनटवर्ड टू मी। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी विल डू नथिंग अनटवर्ड टू मी। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी कुड डू नथिंग अनटवर्ड टू मी। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आए, यानी अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलना हो, जैसे आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट अनटवर्ड, यानी आप क्वेश्चन वर्ड के साथ बोलेंगे अनटवर्ड। व्हाट अनटवर्ड विल यू डू, यानी आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। व्हाट अनटवर्ड कैन यू डू, वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है। व्हाट अनटवर्ड कैन सी डू, यानी वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। व्हाट अनटवर्ड विल शी डू, वे लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। व्हाट अनटवर्ड विल दे डू, वे लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। What and what can they do? यानी वे लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। और अगर आपको कहना हो कि वे लोग मेरा क्या बिगाड़ पाए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे What and what could they do? यानी वे लोग मेरा क्या बिगाड़ पाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब आपको कहना हो क्या बिगाड़ लेंगे, या वह क्या बिगाड़ लेगा, वे लोग क्या बिगाड़ लेंगे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े शानदार तरीके से बोल पाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जहाँ आपको एक कंप्लीट ग्रामर के साथ स्पोकन इंग्लिश के सैकड़ों टॉपिक्स मिलेंगे, जो आपको फ्लुएंट करने में काफी हेल्पफुल होगी। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।